हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल नॉलेज चैनल में सभी का स्वागत है। ये जो इंटरनेशनल कबड्डी मैच आज होने जा रही है अर्जेंटीना वर्सेस साउथ कोरिया में, उसके ड्रीम 11 टीम बनने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मुझे बहुत दिनों से कमेंट भी आ रही है कि तुम कबड्डी की मैच की ड्रीम 11 टीम बनाओ, तो मैंने कल भी बनाई थी, आज भी बना रहा हूँ। जितना पॉसिबल हो सके उतना बना रहा हूँ। और एक टीम बनाना भूल गया ड्रीम 11 की, अगर मैं वीडियो भी ना बना पाऊँ कबड्डी का, तो मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए वो वीडियो काम की होगी। कि आपको पता होना चाहिए कि डिफेंडर और राउंडर या राइडर, मेरी वीडियो देखो ऐसा कुछ नहीं, बाकी यूट्यूबर की भी देख सकते हो अच्छी लगी। लेकिन वो कप्तान वाइस कप्तान देंगे कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कप्तान किस टीम का करना चाहिए वाइस कप्तान, और क्यों करना चाहिए, डिफेंडर का ही क्यों करना चाहिए ऑलराउंडर। तो उसके लिए मैं परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा, एक या दो दिन में वो वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं ना ड्रीम 11 टीम बना पाऊँ कबड्डी, तो वो वीडियो देखकर भी आप किसी भी कबड्डी में मैच की आप ड्रीम 11 टीम बना सकते हो। तो यहाँ बात करते हैं डिफेंडर की। दोनों टीम की बात करें तो यह साउथ कोरिया पिछली मैच हार चुकी थी ईरान की ओर से, तो अर्जेंटीना भी इतनी कोई खास काम कर नहीं चुकी। तो यहाँ बात आती है कि सेफ ऑप्शन, तो यहाँ अर्जेंटीना की ओर से मातिस मार्तिस वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। निगेटिव पॉइंट आ चुके ज़रूर, लेकिन होता है कभी कभी। साउथ कोरिया के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उतने रिस्क होते। ऑलराउंडर की बात करें तो साउथ कोरिया के सबसे अच्छे अगर कोई बात है तो है डी योम को हो सकते वो टीम की। और यहाँ अर्जेंटीना की बात करो तो डेस्कस की वो जो है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, नाम थोड़े मुश्किल है उसके भी सब। और रेड जो है तो उनकी बात करें तो यहाँ साउथ कोरिया के जो है जैंग कुंडली पिछली मैच जरूर साउथ कोरिया हार चुकी थी, लेकिन सबसे अच्छा टॉप परफॉर्मेंस एक ही प्लेयर ने किया था, जैंग कुंडली, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। तो अर्जेंटीना के फेदरिको ग्रेम जो है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर आप अच्छा ऑप्शन है तो मैरिनो पास्क्यूल, ये इनके ऊपर रिस्क है। अगर कोई ग्रैंड लीग के लिए बना रहा है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए वालों के लिए इसके, लेकिन अच्छे प्लेयर है। मैं ले रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ले रहा हूँ, लेकिन सेफ ऑप्शन चाहिए तो यह बहुत अच्छा सेफ ऑप्शन में दे ही रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा प्लेयर है तो मुझे लेना पड़ रहा है फ्रांसिस्को कास्त्रो जो अर्जेंटीना के, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते, उन्हें भी आप लीजिए। अगर डिफेंडर की ओर चले तो जैसे मैंने मातिस मार्तिस को लिया, तो आप अर्जेंटीना के 12 जो है वो भी सेफ है, उन्हें भी ले सकते हैं। तो मैं जे मेनली को लेने जा रहा हूँ। अगर सेफ ऑप्शन अगर चाहिए तो या चेंग को भी हो सकते और कैसेरो भी हो सकते, उन्हें भी ले सकते आप। या अगर बात करें कप्तान वाइस कप्तान की, तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये कोई भी यूट्यूबर आपको कप्तान वाइस कप्तान देगा। जैसे मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि किस टीम की क्या पॉजिटिव या पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अर्जेंटीना की ओर से ऑलराउंडर उनके अच्छे हैं डिफेंडर, तो मैं आपको वो बताऊंगा। शायद मैं अगली मैच टीम ना बना पाऊँ या फिर किसी और की, तो आपको वो पता होने के लिए मैंने वो वीडियो बोला है कि बना कर दूंगा, वो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। तो यह बात करें दोनों टीमों की, तो मैंने जैसे कहा कि रेडर जो है साउथ कोरिया के, तो उनके सबसे अच्छे जेंग कुनली, और अर्जेंटीना की ओर से जो है फेदरिको भी हो सकते हो, मरीनो भी, वो बहुत अच्छे। और डिफेंडर की बात करें तो यह भले या निगेटिव पॉइंट आए हुए मैथिस को, लेकिन वो बहुत अच्छे डिफेंडर भी है अर्जेंटीना की ओर से। तो मैं यहाँ कप्तान जे कुंडली को करने जा रहा हूँ, और वाइस कप्तान में हम फेदरिको ग्रेमेंज को करने जा रहा हूँ। अगर रिस्क हो तो पास्कुल को कर सकते, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते। और राउंडर में भी मैंने बहुत अच्छे ऑप्शन दिए, फ्रांसिस्को कास्त्रो हो सकते, ये उनके लिए जो ग्रैंड लीग टीम बना रही है। अगर कोई बोलेगा कि इतना ऑप्शन दे रहा है तो कौन से कप्तान वाइस कप्तान लूँ, तो मैं उनके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ कि जो ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग वालों के लिए जे कुंडली सेफ ऑप्शन हो सकते, कप्तान बना सकते, ज़्यादा पॉइंट तो ज़रूर देंगे। ये मारती जो निगेटिव पॉइंट है, लेकिन आप स्मॉल लीग के लिए रिस्क हो सकती है, तो कास्त्रो भी हो सकते अच्छे, और जो ये ग्रैंड जिन्हें मैंने लिया है वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये ड्रीम 11 टीम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे तो जो चेंजेस है, कभी कभी क्रेडिट के चलते में प्लेयर नहीं ले पाता, या फिर जो रिस्क के चलते में जो प्लेयर नहीं ले पाता, अगर रिस्क नहीं लोगे तो ग्रैंड लीग कभी नहीं जीतोगे। तो एक टीम अगर आपका कोई, मान लीजिए दो टीम नहीं चली, तो बाकी जो दो टीम बनाओगे वो तो चलेगी, तो दो टीम तो ऐसे ही बनानी होगी आपको रिस्की।
यह सबको पता है कि जे कुन ली बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, एम पैस्कुल जो है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन। अगर आप ग्रैंड लीग के लिए यूनिक ऑप्शन अगर ढूंढना चाहो तो ऑलराउंडर में पैक या कैस्ट्रो जो हो सकते हो, डिफेंडर में मार्टिस वो भी हो सकते हैं। या अगर रिस्की प्लेयर बताऊँ तो यहाँ रेडर के जो है एम पैस्कुल वो भी रिस्की प्लेयर हो, और डिफेंडर के जे मिनली जो ये मैच खेलने वाले ऐसी न्यूज़ आई है, वे होते हैं दो रिस्की प्लेयर जो मैंने अभी बताया। चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं प्लेयर लेता हूँ वो 100% होता है, इसलिए मैं ज़्यादा मैच की टीम भी नहीं बना पाता। जितना पॉसिबल हो सके उतनी मैच की टीम बनाता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं ज़्यादातर क्रिकेट की ही नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। फुटबॉल की मिल रहा है टाइम तो फुटबॉल की, और आज कबड्डी के मिली तो कबड्डी के बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही या डिफेंडर ऑलराउंडर या फिर रेडर जो है, तो हमेशा एक ही चीज़ जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि यह ऑलराउंडर और रेडर जो होते उन्हें कप्तान वाइस कप्तान के हर मैच में करना चाहिए आपको। ऐसा क्योंकि आपको भी पता होगा जो कबड्डी देखते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नहीं देखते ऑलराउंडर यानी कि वो डिफेंडर में ज़्यादा काम आएगा, रेडर में जो ज़्यादा काम आएगा तो आपके पॉइंट बढ़ाने के भी काम आएगा। लेकिन मैं यह रिस्क नहीं लिया क्योंकि यह साउथ कोरिया के बहुत अच्छे है, इसलिए दोनों ही टीम के मैं कप्तान वाइस कप्तान रेडर जो है उन्हें किया। उनके ऊपर रिस्क भी होते हैं और वो अच्छे पॉइंट भी कमा कर दे सकते हैं चाहे तो हर मैच की, क्योंकि वो अपोनेंट टीम के जो है प्लेयर को आउट करते उन्हें ज़्यादा पॉइंट मिलता है, तो उन्हें ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने कि किस टीम के डिफेंडर ऑलराउंडर या रेडर ज़्यादा अच्छे, अगर मैं अगली टीम के ड्रीम इलेवन टीम ना पाना पाऊँ तो अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और फीडबैक देना चाहो तो दे सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।